देश को अरबों का चूना लगाने वाले भगोड़े मेहुल चौकसी की अब शामत आने वाली है। मोदी सरकार के कूटनीतिक जाल में आखिरकार मेहुल चौकसी फंस ही गया। एंटीगा के पीएम गैस्टन ब्राउन ने साफ किया कि मेहुल चौकसी को अपने देश जाना ही होगा। एंटीगा की सरकार भी मेहुल को धोखेबाज मानती है और उन्होंने भारतीय एजेंसियों को एंटीगा आकर मेहुल से पूछताछ को भी कहा है। देश को अरबों का चूना लगाकर विदेश जाकर छिपे भगोड़ों की शामत आने वाली है। दुनिया भर में बढ़ती भारत की ताकत और प्रभाव का असर है कि कोई भी देश ज्यादा दिन उसे नाराज करने का खतरा मोल नहीं ले सकता। विजय माल्या, नीरव मोदी, जतिन मेहता सहित 28 बड़े अपराधी ऐसे हैं जो विदेशों में छिपे हैं। इनमें एक और नाम है नीरव मोदी का मामा और हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी। देश को अरबों की चपत लगाकर मेहुल चौकसी छोटे से देश एंटीगा में जाकर छिप गया, लेकिन अब उसकी शामत आने वाली है। मेहुल चौकसी जल्द ही भारत की जेल में होगा। जिस देश एंटीगा में मेहुल चौकसी छिपा है, उसके मुखिया ने साफ कह दिया है कि चौकसी का प्रत्यर्पण किया जाएगा। एंटीगा के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन ने कहा है कि मेहुल चौकसी को वापस अपने देश जाना ही होगा। ये अब समय की बात है कि वो कब तक कानूनी दांव पेचों से खुद को बाहर रख पाता है। An information from India made him a citizen, only to be told subsequently that he's a crook. Now, what I can assure you is that ultimately he will be deported after he would have exhausted all of his appeals, or he will be repatriated for that matter, or extradited back to India to face whatever charges you have against him. So, just a matter of time. तो सुना आपने, एंटीगा के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन भी मेहुल चौकसी को धोखेबाज मानते हैं। गैस्टन ब्राउन ने यह भी कहा है कि भारतीय जांच एजेंसियां एंटीगा आकर मेहुल चौकसी से पूछताछ कर सकती हैं। पीएम ब्राउन ने यह भी बताया कि मेहुल चौकसी की वजह से एंटीगा के सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम को नुकसान पहुंचा है। मेहुल चौकसी ने एंटीगा के इसी प्रोग्राम का इस्तेमाल करते हुए एंटीगा की नागरिकता ली थी। Indian authorities have the right to come to Antigua and Barbuda. In fact, there are several officials who would have visited Antigua and Barbuda already on the issue. We have a visa-free arrangement for officials and diplomats, so they can come. आपको बता दें कि गैस्टन ब्राउन ने न्यूयॉर्क में पीएम मोदी से मुलाकात के बाद ये सारी बातें कहीं। इससे पहले ब्राउन ने मेहुल चौकसी की नागरिकता को रद्द करने का ऐलान किया था। उन्होंने ये कदम भारत के दबाव में उठाया था। गौरतलब है कि मेहुल चौकसी और उसके भांजे नीरव मोदी ने फर्जी लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स के जरिए पंजाब नेशनल बैंक की मुंबई स्थित वाडी हाउस शाखा को करीब 14,000 करोड़ रुपए का चूना लगाया था। इस घोटाले का भंडाफोड़ होने पर दोनों भारत छोड़कर विदेश भाग गए। भारत के आरोपों पर मार्च में नीरव मोदी को लंदन में गिरफ्तार किया गया था और तब से वो लंदन की जेल में बंद है। सरकार ने पिछले साल जुलाई में संसद में 28 आर्थिक भगोड़ों की जानकारी दी थी। इस लिस्ट में सबसे ऊपर है विजय माल्या, जिस पर कई बैंकों का कुल मिलाकर 9,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज है। माल्या भागकर लंदन चला गया है। इसके बाद पंजाब नेशनल बैंक में फर्जीवाड़े के मुख्य अभियुक्त मेहुल चौकसी और उसका भांजा नीरव मोदी का नंबर है। गीतांजलि जेम्स का प्रमोटर मेहुल चौकसी पर 7,080 करोड़ रुपए, जबकि हीरा कारोबारी नीरव मोदी पर बैंक के 6,498 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप है। चौकसी एंटीगा जबकि नीरव लंदन में है। एक और कारोबारी विंसेंट डायमंड्स के प्रमोटर जतिन मेहता पर धोखाधड़ी कर बैंकों का 4,625 करोड़ हड़पने का आरोप है। जतिन भारत से फरार होकर सेंट किट्स पहुंच गया और वहां की नागरिकता ले ली। पीएम मोदी ने साफ किया है कि देश का पैसा चुराकर भागे ऐसे अपराधियों को हर कीमत पर भारत लाया जाएगा। कह सकते हैं वो दिन दूर नहीं जब विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी जैसे तमाम भगोड़े अपराधी भारतीय जेल की सलाखों के पीछे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।